हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम माइनक्राफ्ट में पढ़ने वाले हैं आयरन फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसको बनाने के लिए हमको ये सामग्री चाहिए होगा जो कि आपने देख लिया। तो इसे दो चेस्ट डबल चेस्ट लगा देने हैं, उसको चारों ऊपर कनेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आप कौन सा भी ब्लॉक ले सकते हो। मैंने स्मूथ स्टोन लिए है, तो इसे आपको दो दो आसपास लगा देने हैं। इसके बाद आपको इधर और एक लेयर चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको ये दो हाइट पर ऊपर ले जाना है। जैसे कि ये देखो गाइस, मैंने कैसे दो हाइट पर लिए ये। और इसके बाद आपको चेस्ट के ऊपर दो ग्लास लगा देने हैं, जिसके आप आयरन गोलम को देख सकते हैं। और इसके ऊपर दो स्टोन, और इधर एक दो तीन करके आप ऊपर चले जाना है। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, एक दो तीन, और ये वापस एक दो तीन ऐसे करके आपको करना है। और ये हमारा किलिंग चैम्बर अब रेडी होने वाला है। और इधर लावा पुल भी लावा डालना बाकी है, जो कि बहुत काम का है आयरन फार्म बनाने के लिए। और ये लावा हम बाद में डालेंगे। इधर हम एक दो तीन चार पाँच का बना देंगे अपोजिट साइड में बनाए एक इधर की साइड में पांच के, और उसके अपोजिट चार के बनाने हैं कि। और ये प्लेटफॉर्म रेडी होते ही हमारा आधा आयरन फार्म तो ऐसे ही रेडी हो जाएगा। और अगर हमारे और इधर चार लगा देने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो गाइस देखो मैंने कैसे बनाता हूँ जल्दी। गाइस ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, और अभी ये ऑलमोस्ट डन है। और एक आपको फिल गैप कर देना है, इसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हम किलिंग चेंग भी बना देते हैं। और ये तीन ब्लॉक छोड़ के आपको दो नंबर के ब्लॉक पे साइन बोर्ड लगा देने हैं। साइन बोर्ड की मदद से आप आयरन को कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप लावा डाल सकते हैं, जिससे कि लावा नीचे ना जाए। तो ये लावा डालते ही ऐसा फ्लोट होने वाला है। इसके बाद आप ये ब्लॉक भर सकते हो, और जो भी, और इधर अभी आप ये ऐसा देख सकते हो कैसा मैंने बनाया है। भाई अभी यार गलती से टूट गया, सॉरी गाइस। और अभी आपको क्या करना है, दो यार भाई ये पॉकेट एडिशन का वही मामला है। अभी आपको दो ब्लॉक ऊपर लेकर जाना है, जैसे कि भाई मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। इसे आपको पूरा करना है। और भाई ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो भाई ये देखो गाइस मैंने सीधा स्किप कर दिया। ये आप देख सकते हो, आपको ऐसा कर लेना है। इसके बाद जो पांच ब्लॉक होगा उसके इधर या उधर आप ये बना सकते हैं विलेजर का रहना। इधर हम विलेजर को रहने वाले हैं, इधर विलेजर रहने वाले हैं भाई। तो गाइस आपको ऐसे तीन ब्लॉक सभी तरह लगा देने हैं। और ये तीन ब्लॉक बहुत काम के, क्योंकि इससे ही मेन चलने वाला है भाई आयरन फार्म अपना। और ये आयरन फार्म भाई मजाक सेट के भाई बहुत ओपी होने वाला है भाई। आप बाद में देखेंगे भाई। अगर आपने वर्ल्ड में बना लिया तो भाई मैं गारंटी से बता रहा हूँ भाई। और इधर फ्लेचिंग टेबल भी लगा देने हैं भाई। और विलेजर आपको मैंने क्रिएटिव से लिए है आपको। अबे भाई आप ब्रीडिंग कर लीजिएगा विलेजर्स की। तो ये गलती से लग गया है। और इसके बाद आपको बेड का सिस्टम बनाना होगा, तो इसे आपको चार ब्लॉक लगा लेने हैं। चार ब्लॉक भी थोड़े ध्यान से ही लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये होने के बाद गाइस आपको बेड रखने हैं। और ये बेड भाई ऐसे एक ब्लॉक छोड़ के रखने हैं। ये बेड भाई बहुत काम के होने वाले। और अगर पानी भी आपको ऐसा डालना है, एक ब्लॉक नीचे रख के पानी डालना है ऊपर, और नीचे का ब्लॉक तोड़ देना है। इसी तरीके से बना लेना है। और इधर 20 विलेजर हो जाएंगे, तब इसके ऊपर सभी स्लैब लगा देना है, जिससे कि हमारा आयरन गोलम स्पॉन हो सके और इधर किधर ना हो सके, और ज़ॉम्बी भी स्पॉन ना हो सके। तो इसलिए हम स्लैब लगा देंगे। तो ये स्लैब लगाने के बाद हमारा पूरा का पूरा आयरन फार्म रेडी हो चुका है। तो ये देखो भाई केक कैसे वर्क करता है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे वर्क करेगा। अभी ये आप देख सकते हो भाई, तुरंत ये आ चुका है आयरन गोलम, और सीधा किलिंग चैम्बर में जाएगा। और थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है,
तो गाइस ये देखो भाई, एक गोल माया, फिर से दो गोल माया। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही।